जहाँ हम जिस स्थल पर खड़े हैं इसका नाम है स्वर्ग द्वार। ये स्वर्ग द्वार एक स्थल है यहाँ का जिसपे राम पैड़ी भी बनी हुई है, और उसी स्वर्ग द्वार में भगवान के धनुष से नपा हुआ 356 धनुष एक एरिया है स्वर्ग द्वार नाम की। तो स्वर्ग उसमें हमारे स्कंद पुराण में आया है कि स्वर्ग द्वार समान तीर्थ ना ब्रह्मांड गौलोके। स्वर्ग द्वार के समान तीर्थ जो है पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, परिशोधित करके गुरु वशिष्ठ जी ने इसको रघुकुल को जानकारी करा के सौंपा था। तो ये वही स्थान, ये वही स्थान मंदिर है, ये कुश के द्वारा स्थापित मंदिर है। जी जय श्री राम। ध्याय नित्यम महेशम रजत गिरिभम चार चंद्रावतंसम रत्नाकल्पजलांगम परशुमुरावीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समंतार अस्ततमृगकृतिमसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम निखिलवयहरम पंचभक्त्रं त्रिनेत्रं। ये कुश जी द्वारा स्थापित है, स्थापित कहना गलत होगा, यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं कुश जी की प्रार्थना पर। श्री नागेश्वर नाथ इनका नाम है, अष्टोत्तर सत ज्योतिर्लिंग में आते हैं। बीच बीच में मंदिर गिरता रहा बनता रहा, जिसमें अभी जो वर्तमान गर्भगृह है वो विक्रमादित्य जी द्वारा बनवाया हुआ है। तो ये पुतलियाँ लगी हुई हैं जी, ये पुतलियाँ विक्रमादित्य कालीन है, विक्रमादित्य के समय में ये मंदिर बना हुआ है, गर्भगृह विक्रमादित्य के जमाने का है, उनका ही बनवाया हुआ है। आप देखें जो भी कलाकृतियाँ हैं ये विक्रमादित्य कालीन हैं, ताड़ के वृक्ष, मोर, जो भी शुक वगैरह, पुष्प वगैरह, पल्लव वगैरह, वल्ली लताएं, जो भी ये कमल दल कमल पुष्प की जो ये आकृतियाँ हैं, ये सब आप विक्रमादित्य कालीन पाएंगे। बहुत प्राचीन मंदिर है महाराज जी, बिल्कुल प्राचीन है।